हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सबने बहुत सारे कमेंट करे थे कि लास्ट प्रीवियस इयर्स के पेपर सॉल्व करवा दो, तो मेरे जो चैनल है उसको ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई है मैंने। 2021 का शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड पेपर प्लस 2020, 2019 एंड 2018, तो 4 ईयर्स के पेपर ऑलरेडी अपलोड है। तो उसके बाद मैं 2017 एम्स दिल्ली स्टाफ नर्स का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आप वो सारी वीडियोस भी जरूर देखना, उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें से एज इट इज 58 क्वेश्चन है जो कि नॉर्सेट 2022 में आए थे। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन से जो 58 क्वेश्चन थे वो एज इट इज रिपीट हुए थे लास्ट ईयर के पेपर से, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एम्स दिल्ली 2017 क्वेश्चन पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट। सो ट्रॉमा क्या होता है? कोई भी फिजिकल इंजरी, हमारी बॉडी में कोई भी फिजिकल इंजरी हुई है जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को लेके आए उसको बोलेंगे ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में ज्यादातर फिजिकल इंजरी हो रही है, तो फिजिकल इंजरी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लड लॉस के, ठीक है। तो ब्लड लॉस होगा तो जिसकी वजह से ब्लड कम हो रहा है तो क्या होगा? हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया। और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक कौन सा होगा ट्रॉमा वाले में? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइनल मेडिकेशन गिवन एट विच नंबर ऑफ स्पाइन, कौन से नंबर पे देते हैं? L4 L5। इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर जब हम लंबर पंचर करते हैं एडल्ट में और चिल्ड्रन में तो कौन सी साइड पे करते हैं? तो एडल्ट पे कब करेंगे? L3 L4। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और चिल्ड्रन में L4 L5, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है? BCG, दैट इज बैसिलस कैल्मेटग्यूरिन, और ये किस चीज को प्रिवेंट करती है? TB को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंजेक्शन हेलोपेरिडोल गिवन इंट्रामस्कुलर बाय विच टेक्निक। तो जो हेलोपेरिडोल इंजेक्शन है ये क्या है? एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि हम मोस्टली शिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर में हम देते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस टेक्निक से देते हैं? जेड ट्रैक टेक्निक क्या होती है कि जो भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्ट मसल में जाए, ठीक है, डायरेक्ट मसल में जाए और प्रिवेंट करे किसको? लीकेज ऑफ ड्रग की लीकेज को प्रिवेंट करे, कहां पे? सबक्यूटेनियस टिश्यू में ड्रग ना जाए, जिसके लिए हम जेड ट्रैक मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जब भी आप इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हो तो स्किन को खींच के पुल करके रखते हैं जब भी इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, और जब हम बाहर निकालेंगे तो स्किन को छोड़ देंगे, तो एक जेड पाथ बन जाएगा जिससे कि जो इंजेक्शन है, जो मेडिकेशन है, वो आपके डायरेक्ट मसल्स में इंसर्ट हुई है, ना कि सबक्यूटेनियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल थिंग डन बाय नर्स ड्यूरिंग होम विजिट। जब भी होम विजिट पे जाती है तो नर्स को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एड्रेस द पर्पस, कि आप किस लिए होम विजिट पे आए हो, आपका क्या एम है, आपको सबसे पहले वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोटेंशन इन ट्रॉमा पेशेंट। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ट्रॉमा मीन्स कोई फिजिकल इंजरी हो रही है तो सबसे ज्यादा चांसेस है किसके? ब्लड लॉस होने के। तो ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा? था हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा ट्रॉमा वाले पेशेंट में? ब्लड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी और व्हेन डिजायर्ड ब्लड ग्रुप नॉट अवेलेबल। तो कौन सा होगा? ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। एज यू नो जो ओ है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, तो किसी को भी ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा उसको यूज करेंगे। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन पूछे तो ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSF ड्रेनिंग फ्रॉम नोज एंड ईयर अकर्स इन विच टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर। तो कौन से स्कल फ्रैक्चर में अगर नोज और ईयर से CSF बाहर आ रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा वो कौन सा स्कल फ्रैक्चर है? तो वो है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, क्योंकि जो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है इसमें जो बेस स्कल की बेस की बोन है उनमें फ्रैक्चर होता है। जैसे मोस्ट कॉमन किसमें होगा? टेम्पोरल में। अगर टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो रहा है तो उसकी वजह से उसी को बोलेंगे हम बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, और इसके में क्या होता है? नोज और ईयर से CSF ड्रेनेज बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर ऑफ स्टूल इंडिकेट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ असेंडिंग कोलोस्टोमी। आपको पता है ये क्या है? हमारी कोलोन। ये क्या है? असेंडिंग। ये क्या है? ट्रांसवर्स। ये क्या है? डिसेंडिंग। तो असेंडिंग मीन्स यहाँ पे वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो अभी यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम यहाँ असेंडिंग कोलोन में कोलोस्टोमी बनाते हैं तो स्टूल का कलर, स्टूल कैसा होगा? सेमी सॉलिड स्टूल, थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट भी होगा, थोड़ा सा सॉलिड भी होगा। और अगर हम डिसेंडिंग में बात करेंगे तो डिसेंडिंग में कैसा हो जाएगा? सॉलिड, क्योंकि जो लिक्विड पोर्शन है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, बाकी सारा लिक्विड पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो डिसेंडिंग में आते आते सिर्फ सॉलिड बचता है,
और असेंडिंग में क्या सा होता है, सेमी सॉलिड स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल एन टेस्ट डन वेन। एल एन टेस्ट हम कब करते हैं, वेन टेकिंग आर्टीरियल ब्लड सैंपल, जब आर्टरी से हमें ब्लड लेना है तो हम एल एन टेस्ट करते हैं। इसकी आपको इमेज दिख रही होगी साइड में, इसमें हम क्या करते हैं मेनली अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करते हैं। तो अल्नर आर्टरी कौन सी होती है, जो लिटिल फिंगर के साइड है, और रेडियल आर्टरी कौन सी है, जो थंब की साइड है। तो हमें इन दोनों को प्रेस करके प्रेशर लगाना है ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो रुक जाए हमारे हैंड में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमें एकदम से अल्नर आर्टरी को जो हमने प्रेस करा है वो रिलीज करना है, और रेडियल आर्टरी को प्रेस करे रखना है। फिर हमें देखना है कि अल्नर आर्टरी से जो ब्लड फ्लो है वो 5 to 15 seconds में अगर ब्लड फ्लो वापस आ जाता है तो जो हमारा एल एन टेस्ट है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और अगर एल एन टेस्ट पॉजिटिव है मतलब ब्लड फ्लो वहां पे नहीं गया है, तो इसके लिए हमें रेडियल आर्टरी को पंचर नहीं करना, क्योंकि जो अल्नर आर्टरी है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है हैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इन एडल्ट बिलो इमेज, ठीक है। तो प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, एडल्ट में होता है, और उस वही रिफ्लेक्स बच्चों में कैसा होता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो जब हम नीचे से हील से जब ऊपर की तरफ हम कोई पॉइंटेड चीज लेके जाते हैं तो जो टो है वो क्या करता है, अपवर्ड, तो अपवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। और जो बाकी के फिंगर है वो फैनिंग करेंगे नीचे के साइड। ऐसे ही एडल्ट में जब हम करते हैं नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी फिंगर से और टो है इसकी क्या होगी, कर्लिंग, नीचे के साइड कर्ल करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। और बेबी में क्या बोलेंगे, बेबिंस की रिफ्लेक्स। और जो बेबिंस की रिफ्लेक्स होता है ये 6 months या up to 1 year तक रहता है, उसके बाद ये अगर है तो कोई प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वैक्सीन वायल मॉनिटर द इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर सर्कल, व्हाट टू डू, ठीक है। इसमें आपको वैक्सीन वायल मॉनिटर आपको दिख रहा होगा साइड में, इसमें क्या अगर इनर सर्कल व्हाइट और बाहर का कलर्ड है तो क्या हम यूज कर सकते हैं, इनर सर्कल अभी भी बाहर वाले से लाइट है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनर स्क्वायर जो है बाहर वाले से लाइट है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है, अगर दोनों सेम कलर का है तब भी हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर अंदर वाला डार्कर हो गया बाहर वाले से तब भी हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, तो ये क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन साइट इन इन्फेंट, इन्फेंट में कौन सी साइट पे हम देते हैं इंजेक्शन, एंटीरो लेटरल मिड थाई, थाई को 3 parts में डिवाइड करेंगे, जो मिड वाला पोर्शन है उसमें भी बाहर की तरफ हम इंजेक्शन देंगे, उसको बोलेंगे एंटीरो लेटरल मिड थाई। और पेंटावेलेंट में कौन कौन सी वैक्सीनेशन आती है, डीपीटी दैट इज डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनस और हेपेटाइटिस बी, हेप बी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, पेप्टिक अल्सर किससे होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीआईटी ट्रैक इनर म्यूकोसा, आपको पता है जो जीआईटी है किससे बना होता है, सिरोसा मस्क्यूलरिस सब म्यूकोसा म्यूकोसा, सिरोसा क्या है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देन मस्क्यूलरिस, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है सबसे इनर वाली वो किससे बनी होती है, एपिथीलियम टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल इंस्टॉलिंग ईयर ड्रॉप इन एडल्ट क्लाइंट द पिन्ना ऑफ ईयर पुल, तो जो ईयर पिन्ना को हम कैसे पुल करेंगे एडल्ट में, आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ने हैं, एडल्ट में पूछ रहे हैं, चिल्ड्रन में पूछ रहे हैं, किसमें पूछ रहे हैं। तो एडल्ट में हम क्या करते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यही आपका चिल्ड्रन में पूछा होता, तो चिल्ड्रन में हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हम किसमें करेंगे, चिल्ड्रन में ईयर पिन्ना को पुल करेंगे फॉर इंसर्टिंग द ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो इस इमेज में जो आपको दिख रहा है वो कौन सा ब्रीच है, फ्रैंक ब्रीच। आपको साइड में इमेज भी दिख रही होगी जिसमें इनकम्प्लीट ब्रीच कैसे दिख रहा है, क्या इमेज होनी चाहिए, इनकम्प्लीट ब्रीच प्लस फ्रैंक ब्रीच, ये तीनों की आपको इमेज क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन बिलो गिवन इमेज, ठीक है। तो जो ये आपको इमेज दिख रही है किस चीज की इमेज है, चेस्ट डीकम्प्रेसर, ठीक है। जब भी टेंशन निमोथेरेक्स ऐसी वाली कंडीशन आती है तो हमें चेस्ट को डीकम्प्रेस करना होता है, जिसके लिए हमें चेस्ट डीकम्प्रेसर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एबनॉर्मेलिटी इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो, ठीक है। तो इस ईसीजी में ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्लस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होगा, एक तो पी वेव नहीं होगी, ठीक है, पी वेव नहीं होगी, पी वेव एबसेंट होगी, प्लस जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा होगा, लार्ज, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, लार्ज। ये दो चीजें याद रखनी है, पी वेव नहीं होगी प्लस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लार्ज। तो इसमें आप देखोगे कि पी वेव भी कहीं पे भी स्पेसिफिकली नहीं बन रही, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, लार्ज। इन दोनों के बीच में जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जैसा होना चाहिए उससे ये बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसी तरह अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है,
पी वेव नहीं होती, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो गैप है ये इससे बहुत कम होता है। अगर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्मॉल है प्लस पी वेव एब्सेंट है तो वो हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये दोनों चीजें आप याद रखना या आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट गिवन बिलो। अब ये जो नीचे दिया है ये क्या है आपको ये बताना है। तो ये क्या है, डायगनल कॉन्जुगेट, और डायगनल कॉन्जुगेट कितना होता है डायमीटर, अब बताइए कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। इसको कहां से कहां तक हम मेजर कर रहे हैं, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये क्या है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, इसके लोअर बॉर्डर से लेके मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री का जो मिड पॉइंट है वहां से, और कहां से, लोअर पॉइंट ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डायगनल कॉन्जुगेट। ये वाली इमेज भी डायरेक्ट देखे क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है, और कितना होता है डायगनल कॉन्जुगेट, 12 सेंटीमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शोन इन ईसीजी पेपर गिवन बिलो। वही जो मैंने आपको पहले बताया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें क्या होता है फिब्रिलेशन में, आपको आपको इससे पता होना चाहिए कि पी वेव नहीं है, और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्मॉल है। अगर लार्ज होगा तो क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और स्मॉल है तो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा, मैनेजमेंट क्या करेंगे, जो आपको कंडीशन दिख रही है, कंडीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन, शॉक देंगे हम, ठीक है, ताकि वापस उसमें इंपल्स जनरेट हो सके। नेक्स्ट इज लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द नर्स इज डूइंग। ठीक है, इसमें नर्स क्या कर रही है, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। आपको यहां से दिख रहा है फंडल प्रेशर लगा के जो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा की कॉर्ड बाहर आ रही है तो प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द बिलो गिवन इमेज। तो ये क्या है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, ये क्या है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। यहां से हम एयर डालेंगे, ठीक है, और लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए यूज करते हैं, और ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा लंग्स के लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी बिलो द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई करेक्ट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप से भी एक क्वेश्चन आता है, तो जो फर्स्ट ग्रिप है ये कौन सी है, लेटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप, जो फर्स्ट है वो कौन सी है, फंडल ग्रिप, सेकेंड वाली कौन सी है, लेटरल ग्रिप, थर्ड वाली क्या है हमारी, पॉलिक ग्रिप, फोर्थ वाली क्या है हमारी, पेल्विक ग्रिप। ठीक है, तो ये सारी ग्रिप्स की भी आप एक बार फोटो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बिलो द इमेज एंड आइडेंटिफाई डिजीज बाय इमेज। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दो बच्चे खड़े हुए और इनका ये क्या मेन ये चीजें हाईलाइट हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉट बेली। और ये जो पॉट बेली है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में मेनली क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और प्रोटीन एनर्जी जब दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है, मैरस्मस। ठीक है, क्वाशियोरकर में ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉस अकर इन अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन, फर्स्ट नंबर पे जो आती है, मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, एज रिलेटेड, तो कौन सा होता है, अल्जाइमर डिजीज। इसमें रिमोट मेमोरी लॉस होता है, रिमोट मीन्स पास्ट, पास्ट के जो ईयर्स है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, ये सब याद नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैनिफेस्टेशन नॉट प्रेजेंट इन पार्किंसोनिज्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पार्किंसोनिज्म के क्या होता है, ट्रेमर्स होते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया होता है, ठीक है, ड्रूलिंग सलाइवा होता है, ये सब चीजें होती है। जो चीजें नहीं होंगी ऑप्शन में वो आपको टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ WBC इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। तो जब भी एलर्जिक कंडीशन होती है कौन सी WBC बढ़ते हैं, इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैप्समियर इज यूज फॉर। पैप्समियर को हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, सिम्टम अपियर होने से पहले ही उसका पता लगाना, और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कब करते हैं, जब डिजीज हो गई है उसके बाद हम उसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट इज मोंटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर। तो मोंटॉक्स भी क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए, ट्यूबरक्लोसिस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करवाते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑफिशियल एनेस्थेटिक नर्स। पहले एनेस्थेटिक नर्स कौन सी थी, सिस्टर मैरी बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूमर मार्कर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर का ट्यूमर मार्कर क्या होगा, CA, दैट इज कार्सिनोजन एंटीजन 99। ये क्या होता है, पेनक्रियाटिक कैंसर। ऐसे आपको ओवरी का, ठीक है, ओवेरियन कैंसर का क्या होगा, CEA 125, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं, सबको पता होगा ये, 4 चैम्बर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंड एम, दैट इज इट इज अ मॉडिफाइड बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन. ठीक है, बाइंड की फुल फॉर्म क्या है? बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन. ठीक है, तो ये हम कब, ये किसको डिटेक्ट करने के लिए करा? बिलिरुबिन है तो जिसमें भी हाइपर बिलिरुबिनिया कंडीशन है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटमिन मोस्ट लाइकली टू बी डेफिसिट इन फुल थिकनेस बर्न. जो फुल थिकनेस बर्न होता है वो बोन तक हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, तो बोन भी डिग्रेड होने लग जाती है. तो बोन की कमी होगी तो क्या, कौन सा विटामिन की कमी होगी हमारी? विटामिन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल. तो कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन. ये हमारे कैल्शियम को बढ़ाता है. और कैल्सिटोसिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैल्सिटोसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर टेम्परेचर. तो नॉर्मल ओटी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 to 21, या 18 टू अगर 24 भी है तो आप इसको भी लगा सकते हो. पर फर्स्ट प्रायोरिटी 21 को, अगर 21 नहीं है तो 18 to 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल एनायन गैप. तो नॉर्मल एनायन गैप कितना होता है आपका? 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट हैज प्लास्टर कास्ट, द नर्स शुड असेस पेशेंट एक्सट्रीमिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ठीक है, अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? कहीं पे एक जगह प्लास्टर कास्ट लगा हुआ है. ठीक है, वहां पे प्लास्टर कास्ट है तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है. तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उस मसल्स में प्रेशर पड़ रहा है तो आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी. ठीक है, आगे जो नर्व की इंटीग्रिटी है, ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी. तो फिर क्या है, वहां पे हमें स्किन कलर देखना है बिलो कास्ट. कास्ट के नीचे स्किन कलर कैसा है? ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन था, ब्लूइश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो रही है, तो मतलब क्या है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? ड्यूरा मेटर. मिडल वाली लेयर का नाम क्या होता है? एरेक्नोइड. इनर वाली लेयर का मतलब, इनर वाली लेयर का नाम क्या होता है? पाया मेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईवी कैनुला साइज एंड कलर इनकरेक्ट. तो ये तो बेसिक चीज है कि कलर कोडिंग और साइज आपको पता होना चाहिए हर एक कैनुला का. इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत इजी ट्रिक है उसमें, कैनुला के कलर प्लस साइज दोनों याद करने का. बस माइंड में एक इमेज याद रखनी है, उस इमेज से आपके सारे कैनुला के डाउट क्लियर हो जाएंगे, कलर भी और साइज भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव ड्रूलिंग इन चाइल्ड. ठीक है, अगर बच्चों में बहुत ज्यादा ड्रूलिंग हो रही है, ठीक है, सलाइवा बार बार निकल रहा है, तो क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ट्रैकियो इसोफेजियस फिस्टुला एंड एबनॉर्मल ओपनिंग. एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाएगी किसमें? ट्रैकियो और इसोफेगस में. उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकियो इसोफेगस फिस्टुला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हीमोडायलिसिस नर्स शुड मॉनिटर आईवी असेस साइट फॉर. जो जब हीमोडायलिसिस हो रहा है तो नर्स को असेस करना है क्या? आईवी साइट. तो जब भी असेस करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रूट. ऑस्कल्टेट या असेस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ब्रूट. और पैल्पेट करते हैं हम किसको? थ्रिल. जब भी पैल्पेट वर्ड आएगा तो हमें क्या लगाना है? थ्रिल. पैल्पेट करेंगे तो थ्रिल और ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रूट. और ये हम किस लिए करते हैं? टू चेक द पेटेंसी ऑफ एवी शंट. ठीक है, जो भी हमने आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर शंट डाला है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए हम ब्रूट और थ्रिल करते हैं. ब्रूट मतलब ऑस्कल्टेट या असेस, और पैल्पेट आएगा तो हम क्या करेंगे? थ्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवम मैच्योरेशन. ओवम को मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वुमेन में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेट होगा, बड़ा होगा, उससे ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल फिर टूटेगा तो ओवम बाहर निकलेगा, तो वही ओवम को मैच्योर करता है. कौन सी नर्व है जो सप्लाई करेगी डायफ्रैगम को? फ्रेनिक नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड टू रिमूव फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट. ठीक है, क्वेश्चन जब भी पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है. तो अगर इन्फेंट की बात करें तो बैक ब्लो. ठीक है, बच्चे को नीचे की तरफ करके पीछे से हमें थपथपाना है, बैक ब्लो देना है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल जाएगा. और यही अगर एडल्ट में करते हैं तो क्या हम यूज करते हैं? हेमलेच मैन्यूवर. हेमलेच मैन्यूवर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. मैं इसकी इमेज साइड में इंसर्ट कर दूंगी, हेमलेच मैन्यूवर के आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी इन 2 to 3 ईयर चाइल्ड. 2 से 3 साल के बच्चे में सबसे ज्यादा कौन सी इंजरी होती है? फॉल, गिरने के चांसेस होते हैं. मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड इन. सबसे ज्यादा वाटर और न्यूट्रिएंट्स कब किस में एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की बात भी कर दी, अगर सिर्फ वाटर का होता तो हम लार्ज इंटेस्टाइन लगाते, लेकिन न्यूट्रिएंट भी है तो किस में एब्जॉर्ब होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट 50 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी. तब तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप
कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।